ਹੋਵੇ ਗਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਚ ਕਾ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੋ ਅਬ ਹੋਗੀ ਗਾੜੀ ਖਾਲੀ ਬਾਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਸਾਰੀ ਔਰ ਕੋਹਰਾ ਹੀ ਕੋਹਰਾ ਔਰ ਹਮ ਇਸ ਕੋਹਰੇ ਮੇਂ ਰੈਡੀ ਨਾ ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇਂਗੇ ਚਿੰਟੂ ਚਿੰਟੂ हमारा घर टॉप पे इसलिए जल्दी धूप निकल जाती है। देखो इस तरफ धूप आ रही है पर इस साइड हमारे इस साइड लेट आती है धूप, थोड़ा टाइम लगता है। आज मैं जाऊंगी इस वाली गाड़ी पे तो दादी अभी पूजा कर रहे हैं गाड़ियों की और दिवाली के बाद का माहौल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल शांत भरा। लोगों ने टेंट भी छुड़ा दिए, लाइटें तो छुड़ाई हैं पर हमने नहीं निकाली हैं अभी लाइटें। तो आज हम इस गाड़ी पे जाएंगे, दूसरी गाड़ी हमारी गई है थोना और हम जाएंगे इस गाड़ी पे। तो मैं बैग पैक कर लेती हूँ पहले, मेरे साथ मेरी मम्मी पापा और गाड़ी जा रही है, दादी घर में रहेंगे। देखो पूजा कर रहे हैं दादी अभी। शूज के अंदर मैंने छोटी छोटी सॉक्स पहनी है, वो निकल गई है, पता नहीं कैसी सॉक्स है। मम्मी चढ़ गई है गाड़ी में, अब मैं चलती हूँ। 9:02 शराबे खुल रही बार बार स्पीड ब्रेकर। गलत पहन ली जराबे, जूते में पहन के खुल रही है बार बार। क्या है तुम? पता नहीं आ रहा। मेरे भाई की जराबे हैं ये और मेरे पैर लाल थे इसलिए जूते भी लाल हो जाते, तो मैंने ये पहन ली थी। हम पहुंचे हैं भांबड़ा चौक पे, देख देख जैसे पहुंच गया ऐसा लगता है जैसे कि हम पता नहीं कहां से कुल्लू मनाली पहुंच गए हो। और इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, इस गाड़ी में चूहा आ गया और वो चूहा जो है लड्डू खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी सीटें खा रहा है, कभी कुछ। मम्मी बोलते हैं इतनी जराबे फैंसी तो देखी थी पर इतनी ज्यादा फैंसी भी नहीं देखी है। टैंकर हुआ करता था हमारे पास जो आगे चल रहा है सेम, फिर स्कूल से आते थे तो उसी में जाते थे। मैंने ऐसे खोल दी, ठंडी हवा आ रही है, ठंड लग रही है। इस रोड पे टाइम से आ जाओ तो मजे हैं। एक गाड़ी आगे चली है, एक हमारे से पीछे चली थी। जाना अखरोट तोड़ने की निंजा टेक्निक, इतने बुरे दांत नहीं है मेरे, पक्के दांत है मेरे। मम्मी ने मुझे चैलेंज दिया हुआ है कि ये अखरोट मैंने दांतों से तोड़ दिया तो मम्मी मेरे को 2000 रुपए देगी। 2000 रुपए नहीं देगी पर अखरोट के अंदर का दिमाग देगी। चेक करके देखते मेरे दांत, देख तोड़ दिया मैंने पर ये अंदर है अभी कि नहीं है।
क्या सोने के लिए थोड़ी आते हैं घर से यार मम्मी, बस बैठते हैं फिर पूरा चक्कर लगाना है सोना, फिर बस इजराबे मेरे को खोलनी पड़ी क्योंकि पैर गुजार रही हूँ और इजराबे खुल जा रही है। थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखाई दे रही है, अगर ध्यान देंगे आप लोग तो आपको भी दिखाई देगी, ये देखो बिल्कुल हल्की हल्की दिखाई दे रही है अभी। तो पता नहीं कब उतारेंगे हमारी गाड़ी और हम कब घर जाएंगे। तो मैं इनके साथ गप्पे मारूंगी, खेलूंगी, और इनको बस नींद ही प्यारी है अपनी और कुछ नहीं, और मेरे को नींद आती नहीं है। अभी भी मेरे पैर लाल ही हैं ब्रश से रगड़ा मैंने, पर फिर भी नहीं वो ये कलर साफ। 1:40 हो गया है और अभी तक हमारी गाड़ी खाली नहीं हुई है। तो अभी हम गए थे सुंदर पहाड़ों के बीच बाथरूम पर ये वो सीन, ये गलत, आधा घंटा सोने के बाद भी गाड़ी खाली नहीं हुई। मैं तो सो गई थी आधा घंटा, फिर भी अभी तक गाड़ी खाली नहीं हुई है। और देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है। सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने सोचा बना के जाते ही हो जानी होगी खाली, पर नहीं हम पहुंचे भी एक तो धक्का खा खा कर, क्योंकि ब्रेक के लगानी पड़ी इतनी ज़्यादा बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो घूम लेते हैं थोड़ा सा। इतनी इतनी ऊंची बनेगी और इतनी खुली बनेगी ये सड़क, यहाँ पे खड़े होते थे हम गाड़ी लेके, अब सामने खड़ी है हमारी गाड़ी। अब इतनी रोड थी इतनी इतनी मैं चली हूँ, अब इतनी खुली कर दी है। तो हमारी गाड़ी पता नहीं कब खाली होनी थी, तो मेरे को लगी थी बहुत तगड़ी भूख, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो हम चलते हैं कुछ खा लेते हैं। तो मम्मी ने दो समोसे ऑर्डर किए हुए थे और चाय का कप, चाय इतनी टेस्टी थी कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इस सच में बारात है कि दिवाली की सजावट की हुई है इसमें, नहीं है रहा। हाँ भाई बस समझे, तो बोले इतनी सजावट है इस बस में भी, हम बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि उस साइड बड़ी धूप आ रही है। गलत सीन हो गया, पूरी धूप अंदर आ रही है, मेरा पैर देखो अभी तक कलर नहीं गया है, पैर से पूरे लाल लाल पैर है दोनों। इस गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, बैंड बाजा भी बंद, देखा मेरा खौफ आप लोगों ने। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। तो मैंने फ्रेम लगा दिया कि इतनी धूप आ रही थी यार सच में। अब लगी थोड़ी थोड़ी हमारी गाड़ी खाली होने, मैं मम्मी को बोल रही कि हम घूम आते हैं परे तक। हैं नहीं घूमना, गर्मी लग रही अंदर बैठ के मेरे को, बस सामने बर्फ था पर फिर भी ठंड लग रही। और प्रबंध किया हमने, धूप अभी बहुत तेज अंदर आ रही है और मम्मी यहाँ सोने के लिए आए हुए स्पेशल, इनके साथ रह रहे कि मेरे को भी आलस पड़ रहा है। जस्ट किडिंग। एक तो इतनी गर्मी है, मैं तो जैकेट पहन के आ रही थी पहले, मैंने सोचा पता नहीं ठंड होगी वहां पे, नहीं ठंड होती यहाँ पे ठीक ठाक, पर हम आए थे थोड़े लेट ना सुबह, तो उस वजह से इतनी ठंड लगी नहीं, और जब यहाँ पहुंचे तो इतनी गर्मी, सीधी धूप मेरे पे आ रही है। मम्मी बोल रही है वहां पे मेला लगा हुआ है एक जगह पे ना, तो वो बोल रही मेरे मैं तेरा नाम फसाना है कि हाँ मेले जाना, और खुद घूमने की इच्छा मेरी नहीं है, घूमने की इच्छा मैंने बोल दिया कि ब्लॉग में देख लेना सब, मेरी कोई इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा है सारी घूमने की, ये मेरा नाम लेके दोस्तों झूले में बैठने के लिए जाने, ऐसा नहीं होगा। ले लो अपना दुपट्टा ले लो, अब होगी गाड़ी खाली, धूप है टाइम लगना, तो गाड़ी हमारी खाली होगी और हम जा रहे हैं घर। बाहर उतरो ना तो सीमेंट कितनी सारी मिट्टी उड़ती है, सीमेंट इतना ज्यादा उड़ता है, बड़ा कठिन काम है। आज का एक्सपीरियंस हम मम्मी से लेंगे दोबारा से, तो आप अपना एक्सपीरियंस फीडबैक तैयार रखना गाइस, आज हम मम्मी से पूछेंगे कुछ नया। अरे सब मम्मी से पूछते हैं कि आज आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर। मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे रख दिया हुआ है। हाँ जी तो बताइए, हाँ जी तो आप बताइए आज का दिन कैसा रहा, जोर से। यहाँ के रोड कैसे लगे आप? अच्छा था, बड़ा बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा, पास गड़ी गड़ी लग रही है, पर क्या करना। सरकार से आप क्या मांगते हैं? सरकार तो कुछ नहीं मांगते, कोई सब भी चलना रोड पर। फिर आपको ड्राइवर लाइन में क्या क्या दिक्कत आई? दिक्कत तो पास आई आज बड़ी भारी रुकने दी आई, पर फिर भैया ने खाली कर दी गड्डी, तो अच्छा लगा। तो अब आप खुश हैं? खुश से बहुत, अब घर जाना, फिर एक बहन के घर में रुकना है, पर पता नहीं अब चलेंगे कि नहीं। वो मेरी मासी है और मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है स्कूल से, तो इसके मम्मी बोलते हैं कि उनके घर में रुकना है हमने थोड़ी देर। आखिर में दोस्तों हमारी घर वापसी हो रही है अब, और इन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया गाड़ी खाली करते वक्त।
लोग मेरी वीडियो को देख के ऐसा बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं पे घूमे हैं हिमाचल में, तो इसलिए हम आपको भी वो पूरा दिखाएंगे। टाइम अभी 3:25 हो गए, सुबह 11 बजे के आए थे हम। मम्मी अपने दोस्त के घर, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, घर ही नहीं मिल रहे हैं। ये मासी मम्मी साथ में फूल के साथ फोटो लो हमारा। 2 hours later. तो मासी जी के घर से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। 2 घंटे हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मम्मी ने वहाँ से खट्टे वगैरह लिए, साग लिया, फिर हम गए सब्जी मार्केट। यहाँ पे हमने इतनी सारी सब्जियाँ ली, हरी हरी सब्जियाँ हैं यहाँ पे, सब कुछ हरा भरा है। तो मम्मी का बैग नहीं भर रहा अभी तक, ये सब्जी लेके। Thank you.
मेरा दिमाग चूंड हो गया एकदम, पता नहीं ब्रेक कहाँ है और क्लच कहाँ है, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिखे, चक्कर चक्कर। मैंने ब्रेक लगानी थी, क्लच दबाना था, गियर चेंज करना था, मैं ब्रेक दबाई हुई, क्लच दबाई नहीं। बच गई आज मैं, दो तीन बच गए मेरे लिए, बाइक वाला बच गया, टुकड़े वाला था, कार वाला। आज मेरा दिन बड़ा खराब निकला, लास्ट जैसे में। गुड नाइट दोस्तों, 7 बजे।